हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में या फिर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद से इसके कॉज यानी इटियोलॉजी के बारे में जानेंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किस पैथी में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, वो चीज़ हम आपको इसमें लास्ट में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो है डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक सर्वाइकल डिस्क डिजेनरेशन एंड डिसलोकेशन। तो आइए अब इसके कॉज के बारे में जानते हैं, जिसे एटियोलॉजी भी बोला जाता है। पहला जो है इसका कॉज है वो है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। सेकेंड जो इसका कॉज है पोस्चरल डिफेक्ट। थर्ड जो इसका कॉज है साइकोलॉजिकल है। फोर्थ जो है हार्मोनल है। फिफ्थ जो इसका कॉज है वो है अर्ली एडल्ट लाइफ। आइए इसके अब सिम्टम के बारे में जानते हैं, यानी साइन सिम्टम साइन दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहला इसका जो है सिम्टम है, इट डिपेंड ऑन लेटरनल हर्नियसन ऑफ डिस्क एंड डोर्सो मेडियल हर्नियसन। ऑनसेंट इज इंसिडियस। सेकेंड इसका जो सिम्टम है वो है पेन ब्राचियल न्यूरालजिया। एंड थर्ड जो इसका सिम्टम है वो है पेन, थर्ड जो है लिमिटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ द नेक। फोर्थ जो इसका सिम्टम है वो है सेंसरी लॉस ऑफ अपर लिम इज कॉमन। द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन मे बी लॉस्ट व्हेन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व। इसका फिफ्थ जो सिम्टम है वो है फीलिंग ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस इन अपर लिम, मतलब अपर लिम में नमनेस, सुनापन या फिर झनझनाहट टाइप का सिम्टम प्रोड्यूस होता है। सिक्स जो इसका सिम्टम है वो है वर्टिगो। और सेवेंथ जो इसका सिम्टम है वो है बैंड लाइक हेडेक। आइए अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो पहला है वो है नैरोइंग ऑफ डिस्क स्पेस। सेकेंड जो इसका इन्वेस्टिगेशन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जो है प्लेन एक्सरे, जिसमें ओसियोफाइट्स फॉर्मेशन विथ लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोसिस। एंड थर्ड जो है ऑब्लिक व्यू जो होता है उसमें सो इन कोरेसमेंट बाई ऑस्टियोफाइट ऑन द इंट्रावर्टिब्रल फोरामिना। एंड फोर्थ जो इन्वेस्टिगेशन है वो है इसमें माइलोग्राफी, जिसमें जो है हर्निएशन ऑफ डिस्क आता है, इसमें हड्डी का बढ़ना या फिर डिसलोकेशन होना आता है। आइए अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का जो पहला है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकेंड जो है ट्यूमर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड फोर्थ जो है श्रिंगोमाइलिया जिसे बोलते हैं। फोर्थ जो है सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड। एंड फिफ्थ जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, फिफ्थ नहीं सिक्स है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोसिस हो जाता है, रेस्ट इन बेड विथ इमोबिलाइजेशन ऑफ नेक विथ कॉलर के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा सिम्टोमेटिक या फिर पैथोलॉजिकल जो भी ट्रीटमेंट हो। तो आइए अब हम जानते हैं इसका सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट होता है वो किस पैथी में होता है। इसका ट्रीटमेंट हर पैथी में है, आपको एलोपैथिक में है, आयुर्वेद में है, होम्योपैथिक में है, और यूनानी में भी है, और योगा में तो है ही। तो सबसे इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है योगा में, देन होम्योपैथिक में, देन एलोपैथिक। तो आपको अगर ट्रीटमेंट इसका लेना है तो सबसे पहले किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर किसी योगा जो जानता हो, इसका जो योगा टीचर हो या फिर जो योगा से जो ट्रीटमेंट देता हो, फिजियोथेरेपी वगैरह,
तो वो लोग बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर और भी कोई डिजीज़ के बारे में जानना हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।